हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। जो बात कही गई है प्रधानमंत्री साहब के द्वारा, तो मैं इसका बड़ा स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि ये एक नई सुबह की शुरुआत है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है और हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं पसमांदा समाज, हम फुल ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ मोदी जी के साथ हैं। हमारे यहाँ छोटा और बड़ा मुसलमान नहीं है, हर बिरादरी का मुसलमान मस्जिद में जाता है, बराबरी का उसका अधिकार है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मोदी सरकार और पूरा विपक्ष खुद को तैयार कर रहा था। इसी तैयारी के बीच पीएम मोदी ने यूसीस यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत और ख्वाहिश दोनों जाहिर कर दी। जाहिर इसके बाद तो हंगामा होना ही था, लेकिन पीएम मोदी ने यूसीसी के साथ साथ ये भी बता दिए कि उन्हें मुस्लिमों में पसमानदा मुसलमानों की ज्यादा फिक्र, जिन्हें कई दशकों से सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया। जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। दरअसल यूसीसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने पसमांदा वाला जो सियासी तड़का लगाया है उससे राजनीतिक उबाल आना लाजमी था, लेकिन पीएम और बीजेपी पूछती है कि जो लोग मुसलमानों के सबसे ज्यादा हिमायती बनते हैं, क्या वो पसमांदा मुस्लिमों की बदहाली के लिए जिम्मेदार नहीं? जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। जो संग्राम अब तक सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक वाला था, उसे पीएम मोदी ने मुसलमान और पसमांदा मुसलमान वाला संघर्ष बना दिया है। हालांकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। हरेक का अधिकार होता है टोन सेट करने का, हमारा अधिकार ये है कि हम इसकी काट करें, हम ये बताएं कि इसमें कोई काम की बात है नहीं और ना ये कर पाएंगे, और देखते हैं अगर ये कर सकते हैं तो करके दिखाएं। हमारे यहाँ मुसलमानों में कोई बंटवारा नहीं है, शरीयत में किसी किस्म का न कोई छोटा मुसलमान है न कोई बड़ा मुसलमान है। तकवे की बुनियाद पर छोटा या बड़ा हो सकता है, बिरादरी के नाम पर, और बिरादरियाँ क्या है, जिसने जो कारोबार कर लिया वो उस बिरादरी से उसकी शनाख्त हो गई। हमारे यहाँ छोटा और बड़ा मुसलमान नहीं है, हर बिरादरी का मुसलमान मस्जिद में जाता है, बराबरी का उसका अधिकार है। मुसलमानों में भी पसमांदा मुस्लिमों पर दांव क्यों, इस सवाल का जवाब कुछ आंकड़ों के जरिए समझ। दरअसल यूपी की आबादी में मुसलमान करीब 20% के आसपास, इनमें पसमांदा मुसलमान करीब 16% हिस्सेदारी रखते हैं, यानी यूपी के कुल मुस्लिमों में पसमांदा 80% के आसपास, लेकिन ये वह शिक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास महरूम, जबकि पसमांदा हर लिहाज सबसे बड़ा वोट बैंक। इसलिए बीजेपी ने मुसलमानों की बदहाली के लिए उन लोगों पर निशाना लगाया जो मुस्लिम वोट बैंक सियासत करते हैं। इसके संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, गरीब मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, तो उसके क्रम में आज जो गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे हिंदुस्तान में चली
वो गरीब हिंदुओं को भी फ़ायदा मिला और गरीब मुसलमानों को भी फ़ायदा मिला। आज उनके बीच में इस बात की चर्चा है कि जिन लोगों ने सदा हमारा वोट लिया और जिनके इशारे पर हमें हिंदुओं के साथ लड़ने की कोशिश करते रहे, आज वह हमारी मदद कर रहे हैं। और जिन लोगों ने उनका वोट लेकर के शासन किया, वो केवल अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष पीएम मोदी के यूसीज और पसमांदा वाले दांव को निशाने पर लिया। सपा का आरोप है कि ये सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर और बहकाने की कोशिश है। ये हमारे इस हिंदुस्तान में जो बीजेपी की और आरएसएस की गवर्नमेंट है, ये वो इन चीज़ों को तो नहीं देख रहे हैं कि जो गरीब आदमी का कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, कैसे उसको रोटी मिलेगी जितनी महंगाई हो रही है। तो बजाय इन्हें फिक्र 24 की है कि चाहे कोई भूखा मर जावे या उसे कोई चीज़ ना मिले, इसकी फिक्र नहीं है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से भुखमरी दूर हो, गुर्बत दूर हो और ये महंगाई कम हो। दरअसल मोदी सरकार देश भर में जो भी सरकार बुनियादी सुविधाएं दे रही, उसमें सभी वर्गों के साथ साथ पसमांदा मुसलमान लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें फ्री राशन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, पीएम आवास, हर घर शौचालय समेत तमाम योजनाओं में पसमांदा मुस्लिम हिस्सेदार। अब ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज तक हम छोटे से इतने बड़े हो गए, लेकिन आज तक किसी ने पसमांदा समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाई, और हम और पूरा देश मोदी जी के साथ है और हमेशा रहेगा। बहुत ही हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि माननीय मोदी जी हम पसमांदा समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को पूछ रहे हैं और उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन्हें बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। मुस्लिमों में पसमांदा को लेकर सॉफ्ट लाइन पर चल रही बीजेपी की कोशिश कि 2024 पसमांदा मुस्लिमों पर दांव लगाकर विपक्ष के परंपरागत वोट बैंक सेंध लगाई जा सके।